करते हैं डीके टीम में और रिश्ता टीम के अंदर अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एक्ट्रेस एंड अ पर्सन जो इतनी इंस्पिरेशनल है अनीता जी, मतलब इनसे आप बात करो आपको लगता है एक तो ये बिल्कुल न्यूकमर है वो चीज़ उनसे मिलके मैंने एक चीज़ सीखी ह्यूमिलिटी, मतलब आप बहुत सारे शोज बनाते हो, लोगों से काम करते हो बिहाइंड द सीन ऑफ द सीन, बट शुरू से ना जो एक मुझे अभी तक याद है आई थिंक अवार्ड फंक्शंस में हम लोग कभी मिस किए थे बट हमेशा मन था कि मिलने का, मैंने सबसे पहले मैं था ऑटो स्टेशन विवेक एंड आई थिंक रंजीत जी एंड ऑल, सो मैंने पहले बोला कि इतनी बड़ी स्टार है बहुत एटीट्यूड होगा, बोले सर आप एक बार मिल लो आप एक बार मिल लो, तो फिर मैं जैसे आया मैं मिला आई फाउंड हर सच एन अमेजिंग ह्यूमन सो हम्बल सो मेनी जो अभी तक यू नो उभरे भी नहीं और उनमें एटीट्यूड आ जाता है यू नो लाइफ में एंड व्हाट अ बॉडी ऑफ वर्क वी आर सच बिग फैंस ऑफ योर्स, बट काम का जोश ह्यूमिलिटी सारी टीम को बांध के रखना एंड पैशन फॉर वर्क हेल्थ व्हिच इज सच अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी आल्सो व्हाट अ ह्यूमन, यू नो माय मदर दीपा जी जो अनुपमा प्रोड्यूस करते बहुत कम जाते हैं लोगों से मिलते हैं और वो अनीता जी से जब आउटडोर्स में मिले शी वाज सो हैप्पी, से इतना अच्छा लगा I'm looking forward to come next week again. She's coming next week. So wish Anita ji lots and lots of happiness, bahut bahut prosperity, good health, and lots and lots of Yarishta years. Yes. Yeah. Yeah. And Rishi ke baare mein bolna chahunga. Ye hamare company ke pillars hain, directors hain. Aur shuruaat hui thi inki. I was directing a show called घर की लक्ष्मी बेटियाँ, तो रोमित राज करके एक एक्टर है उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा था यार एक लड़का उसको असिस्टेंट रख लो, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था बेटियाँ, तो ये आया था ऐसे में फिल्म सिटी में ऊपर शूट कर रहे थे ब्राउन शर्ट और ब्लू जीन्स एंड मुझे ऐसा इंप्रेस किया मेरे सब टीम्स के सामने डायरेक्टर्स जो मतलब असिस्टेंट एसोसिएट सब रोमी वोमी सब थे इनको कुछ नहीं आता मुझे आया अच्छा वो कोई टीसीआर लिख रहा था तो उसको देख के बोलता है उतना सीनियर मेरा एसोसिएट था मैंने बोला इसको इमीडिएटली रखो रिलाइज करना इससे कुछ नहीं जीरो बट फिर मैंने बोला इसको कंटिन्यू इसलिए रखो कि बंदे का कॉन्फिडेंस देखो कि मुझे बेवकूफ बना रहा है इतने कॉन्फिडेंस से लुक एट दैट कॉन्फिडेंस तो वहाँ से ऋषि ने कहे हर शो में साथ में रहे नॉट ओनली डायरेक्शन प्रोडक्शन को हाथ देना आई थिंक कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स बने कंसिस्टेंटली फॉर ये रिश्ता अनुपमा जो भी हमारे शोज आते हैं एंड विश यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड बेस्ट सक्सेस and I call it my biscuit. So, ऐसी खुशियाँ रहे हमारे रिश्ता के परिवार में ऑडियंस का प्यार रहे आप सब देखे हैं थैंक यू सो मच फॉर द ब्रिलियंट टीम एंड आज बहुत दिनों आज पहली बार रंजीत जी भी आए जैसे आप आर ए विवेक सबसे मिलते ही होंगे और यू नो वट एवर निखिल सबसे मिलती हैं जो टीम मेम्बर्स हैं पुराने बट रंजीत जी हमारी कंपनी के बिजनेस हेड हैं तो मैं सबको बोलता हूँ जो महीने के बिगनिंग में करेक्ट टाइम चीज में मिलती ना दैट इज बिकॉज ऑफ हिम जो कंपनी के एथिक्स वैल्यूज फाइनेंस को लेके सो आज रंजीत जी ने बोला मैं भी जरूर चलूंगा सो थैंक यू एवरीवन थैंक यू द टीम थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू बहुत आपने प्यार दिया
Rajan ji, and I'm really humbled. I don't know what to say, but thank you. This 29th has become more special for me. This birthday has really become really special, and especially after you coming and being with us and cutting the cake. Thank you so much. I love you all. Thank you, sir. And thank you, my fabulous team. It's amazing that we are one, we are united, and we always be. Any of the members in the team, if you feel that I've hurt you, I apologize from the bottom of my heart. But I love you. Thank you. मुझे गाना गाना था यार अपने बर्थडे को गाना गाते बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है हैप्पी बर्थडे टू यू This is from all of us. Thank you. My love, beautiful flowers and fragrance. किशन रोलिंग रोल थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एक सेकंड ये बहुत बड़ा बना दिया है राजन जी ने आज मेरी केक कटिंग हो गई बट आई एम सो हम्बल्ड सो हैप्पी दैट आप सब आए राजन जी आए एंड विश मी अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऋषि जी और मेरा बर्थडे बस एक दो दिन ही अपार्ट मैम अगर आप बता सकें किस तरह की आपने शुरुआत की सेलिब्रेशन आपके बर्थडे की अगर कुछ अगर आप बता सकें किस तरह की सेलिब्रेट करते हैं मैं यूजली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होता है मेरी फैमिली के साथ मेरा हस्बैंड मेरा सिस्टर और मेरी बहू लास्ट ईयर ऑफकोर्स वॉज माई बिग बर्थडे तो सरप्राइज था बट ये साल कल हम फैमिली थे एंड आई थिंक फैमिली से बढ़कर कोई चीज़ दिस इज़ द बेस्ट सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली एंड दैट्स व्हाट आई जैसे सर ने आपके फिटनेस की भी बात की इस पूरे टीम में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा फिट और यंग आप ही लगते हो केयरफुल व्हाट आई ईट जैसे राजीव बताया ये बहुत केयरफुल है लेकिन यस आई एम वेरी केयरफुल व्हाट आई ईट आई एक्सरसाइज एवरी डे बट यही है अगर आप चुस्त हैं तो आप काम कर सकते हैं आप मूव कर सकते हैं वरना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी फिटनेस इज़ माय गोल फिटनेस इज़ माय पैशन एंड आई लव इट इसलिए मैं जब भी उनसे मिलता हूँ ना पहले मैं थोड़ा मुंदर करता हूँ ऐसे मिलता हूँ बट इट्स इंस्पिरेशनल आप क्या कहना चाहेंगे मतलब फिटनेस तो आप मुझसे फिटनेस के बारे में किया है आपने लेकिन अगर आप बता सके कि जब भी हम देखते हैं कि आप हमेशा अपने जो सेट्स में जो भी काम करते हैं उनकी काफ़ी आप बर्थडे हो या कुछ भी हो आप हमेशा से उनके लिए काम केक कटिंग रखते ही हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहिए आप पूरी फैमिली आप मानते हैं हर किसी को आई थिंक वो दो तरफा होता है जब आपको खूबसूरत लोग मिलते हैं खूबसूरत यूनिट मिलती है तो सर कम माइक पे आती है सेंटर ठीक है हाँ जी आई थिंक जब ये दो तरफा होता है जब आपको खूबसूरत लोग मिलते हैं एक्टर्स यूनिट मिलती है वर्कर्स मिलते हैं सो हम सब एक परिवार का पार्ट है तो कोई आई ऑलवेज से कि प्रोड्यूसर भी शो से बड़ा नहीं होता यू नो और कोई इंसान एक इंसान कोई शो बनाता नहीं है एक टीम एफर्ट है सब साथ में टफ टाइम्स भी फेस करते हैं जब कभी नंबर्स नहीं आते प्रेशर होता है कल का शो टेलीकास्ट है तो वो टीम जब डे नाइट मेहनत भी करता है तो कुछ मौके होते हैं जब मिल के हम एक ऊपर वाले को थैंक यू बोले और जब टीम मेम्बर्स का कुछ एक ओकेजन होता है बिकॉज सी ऑल ऑफ देम एवरी मतलब मैं तो फिर भी ऑफिस में रहूँगा आई कैन गो आई एम नॉट ऑन माई फेस इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट एक्टर्स स्पेशली सारा वक्त चाहे दुख हो सुख हो कुछ भी हो उनको सेट पे ही रहना पड़ता है काम करना पड़ता है इवन अ डायरेक्टर कैन टेक अ ब्रेक बट अगर एक्टर का वो रोल है तो दे हैव टू सो
एक फैमिली एनवायरनमेंट बनता है एंड अगर आपको लोग इतने अच्छे मिले तो फिर इट्स लाइक सोने पे सुहागा तो टचवुड ग्रेट प्रतीक्षा समृद्धि और शहजादा से हम पूछना चाहेंगे कि आप तीनों जब अनीता मैम के साथ स्क्रीन शेयर करते हो सेंटर इतना वक्त उन्होंने फिटर्निटी को दे दिया है कभी आप लोग अपने लाइंस भूल गए हो कभी मेस्मराइज हो गए उनकी एनर्जी को देख दे आर वेरी गुड दे आर वेरी प्रो बिल्कुल नहीं मेस्मराइज होते ऑन द कंट्री आई एम लर्निंग फ्रॉम देम दे आर सो गुड नहीं यू लर्न एवरीडे दिस इज माय सेकंड शो विद अनीता जी सो मेरे पहले शो से ही मेरे अनीता जी के साथ मेरी बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है तो मैं इनको सेट पे कभी भी माँ भी बुलाता हूँ है ना तो शी इज़ लाइक माई मदर एंड शी लुक लाइक माई मदर एक्चुअली आई टोल्ड हर तो मैं जब भी अनीता जी के सामने मैं प्ले करता हूँ कुछ भी किरदार से कभी मैं इनका पोता प्ले कर रहा हूँ तो इतना अच्छा रिफ्लेक्ट करती हैं सामने से जब एक एक्टर सामने से रिफ्लेक्ट करता है तो उसकी रिफ्लेक्शन सामने वाले एक्टर पर दिखती है तो इनकी रिफ्लेक्शन से हम और चमक रहे हैं समृद्धि का भी ये सेकंड शो है सेकंड शो आई हैव शेयर्ड वन इंस्टेंस मैम के साथ तो पहले इनकी एंट्री थी हमारे पहले वाले शो में मैम सेंटर दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली थी और एक शॉट था जिसमें मैं रिक्शा चला रही हूँ और उन्हीं बाहर खड़े रहे कुछ तो रीज़न की वजह से और धूप में थे हम आउटडोर में थे कुछ रीज़न की वजह से उनको हील्स उतारनी पड़ी बिकॉज वो फ्रेम में बैठ नहीं रही थी तो उन्होंने हील्स उतारती उन्होंने कपड़ा लेके आते हैं चलता है यार ये एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड बेयर फुट इतनी तपती हुई धूप एंड शी इज़ रेडी टू डू ऑल दैट एंड आई वॉज लाइक शी सो हम्बल एंड आफ्टर डूइंग सो मच वर्क मतलब इट टीचर्स अ लॉट थैंक यू इनका प्यार है थैंक यू ओके थैंक यू